हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं आलू का हरा भरा सैंडविच। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हरे भरे सैंडविच बनाने के लिए हमको चाहिए होगा उबला हुआ आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को धो करके उबलने के लिए रख दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर और हम उसके अंदर कच्ची मूँगफली जो है वो भून लेंगे। ये करीबन आधा कप मूंगफली है। इन कच्ची मूंगफलियों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और सुनहरा होने तक इसे हम भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी मूंगफलियाँ जो हैं वो चटकने लगी हैं और इनके छिलके जो हैं वो अपने आप ही उतरने लगे हैं। इसका मतलब हमारी मूंगफलियाँ जो हैं वो भून करके तैयार हैं। अब हम इनको गैस पर से हटा देंगे। आलू का हरा सैंडविच बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए होंगे वो है हरा धनिया, हरा लहसुन, हरी मिर्चें। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप इस तरह के लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आलू का हरा सैंडविच बनाने के लिए हम मसाला अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। सो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा लहसुन और ये हरा धनिया। ये हमने धो करके तैयार कर लिया है। ये करीबन एक मुट्ठी धनिया है, तो आप इसको मिक्सर में डाल लीजिए और थोड़े से पानी की मदद से हम इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये हरा मसाला बन करके तैयार है। सो फ्रेंड्स, जो हमने मूंगफलियाँ भुनी थी उसको हम दरदरा पीस लेंगे। मूंगफलियाँ हमारी ग्राइंड होकर तैयार हैं, इसको इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आलू का हरा भरा सैंडविच बनाना। आलूओं को हमने उबाल करके छील लिया है, इसको हम मैश भी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा भुना हुआ मूंगफली तैयार है, ये हमारा हरा मसाला तैयार है। फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें डाल दिया मैंने कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालने वाले हैं जीरा। जीरा जैसे ही चटक के तैयार हो जाए हम उसमें डालेंगे हरा मसाला। हमारा हरा मसाला तेल के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी आपको बहुत ज़रा सी डालनी है, सिर्फ कलर के लिए, इससे हरा रंग जो है आपका निखर जाता है। इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से और 2 से 3 मिनट तक हमको इसको पका लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मूंगफली। इसको अच्छी तरीके से मिक्स होने देना है। मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक। मसाला हमारा रेडी हो गया है अच्छी तरीके से, अब हम इसमें उबले हुए आलूओं को इस तरह से फोल्ड करके डाल देंगे। आलूओं को हमने रफली मैश करके डाल लिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बस मिक्स होने तक ही पकाना है। इस तरह से जो बचे हुए आलू हैं उसको फोड़ते जाइएगा, क्योंकि हम इसको ब्रेड में फिल करने वाले हैं। आलू की स्टफिंग हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हरे सैंडविच का हरा आलू हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको ब्रेड में फिल कर लेंगे। तो आप ब्रेड के स्लाइस ले लीजिए, यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आलू का मिक्सचर जो है ब्रेड के अंदर भर करके रेडी कर लेंगे। और दूसरे ब्रेड के स्लाइस से इसको इस तरीके से ढक देंगे। इसी तरह हम बाकी के ब्रेड को भी बना करके रेडी कर लेंगे। आलूओं को हमने ब्रेड में स्टफ़ करके तैयार कर लिया है, अब हम इसको सेकने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम आलू के हरे भरे सैंडविच को सेकने वाले हैं। उसके लिए मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। पैन जो है वो गर्म हो गया है और हम अपने ब्रेड को इस तरीके से सेक करके तैयार करेंगे। एक बार में जितना
ब्रेड सैंडविच आपके तवे पर आता है, आप उतना उस पर डाल लें। जब तक हमारा ब्रेड सैंडविच जो है गोल्डन ब्राउन होकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमको इसको इसी तरीके से फ्लिप करके पकाते रहना है। ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी है, कितना बढ़िया इस पर कलर आया है। ये अब ये बन करके तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हरा भरा आलू का सैंडविच रेडी हो गया है। आप इसे अपनी पसंद की सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।